वेलकम टू माय चैनल रीता किचन। आज मैं चना बनाने जा रही हूँ, मसाले वाली चना। मैं कैसे बनाती हूँ आप लोग बताती हूँ। कि मैंने चना ले लिया है, 5 से 6 घंटे मैंने इसको भिगो दिया है। करीब 2 कटोरी चना है ये। मैंने प्याज लिया है, छोटा प्याज है, 1 हरी मिर्च है, अदरक है, 4 से 5 कली लहसुन है। इसको मैं पेस्ट बना ले रही हूँ। 1 मैंने टमाटर भी ले लिया है छोटा। अब देख सकते हैं मैंने पेस्ट बना लिया है अच्छे से। अब देख सकते हैं मैंने कुकर चलाया, उसमें ऑयल मैंने डाला, मस्टर्ड ऑयल गरम हो चुका है। अब देख सकते हैं मैंने इसमें जीरा डाला है, जीरा भी हो गया है। अब मैं इसमें प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ। अब देख सकते हैं प्याज को पहले अच्छे से भून लेती हूँ। अब देख सकते हैं मैंने कैच कर लिया है छोला मसाला 1 चम्मच। अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च डाला है, धनिया मैंने थोड़ा सा लिया है, मैंने नमक ले लिया है स्वाद अनुसार। अब देख सकते हैं प्याज हो गया है, ऐसे मसाला सारे डाल रही हूँ। देख सकते हैं अब मैं इसमें करीब 1/2 कटोरी पानी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। अब देख सकते हैं मैं मसाले को भूनूंगी नहीं अभी, इसी में चना डाल दूंगी और सीटी लगा देती हूँ ताकि हमारे पानी जो रहे, पानी में मेरा चना ये अच्छे से पक जाए। अब देख सकते हैं इसमें पानी है थोड़ा सा, मैंने 1/2 कटोरी पानी डाला था, इसी में इसको सीटी लगा दे रही हूँ। अब देख सकते हैं मैंने सीटी लगाया, कम से कम 3 सीटी इसमें लगेगा, मैं उसके बाद गैस ऑफ करूँगी। देख सकते हैं सीटी बिल्कुल ठंडा हो गया है, मैं इसे खोलने जा रही हूँ। अब देख सकते हैं बिल्कुल पानी सूख गया है। अब देख सकते हैं मैं इसे हल्का सा भून लूँगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। अब देख सकते हैं बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। मैं इसमें अब गरम मसाला थोड़ा सा ऊपर से छिड़क रही हूँ, मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ। अब सबको अच्छे से मिला दूँगी मैं। देख सकते हैं बिल्कुल भून के तैयार हो गया है। मैं इसे प्लेट में सर्व कर रही हूँ। ये देख सकते हैं बिल्कुल बन के तैयार हो गया है मसाले वाली चना। बहुत कम मसाले में मैंने बनाया है। सुबह का हेल्दी, बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है चना। आप लोग इस तरह से मुश्किल से 10 मिनट भी लगता है, 10 मिनट बन के तैयार हो जाता है मसाले चना। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा प्लीज़।